नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। नोडल अधिकारी समीर वर्मा सचिव लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश ने गुरुवार की देर शाम लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण गृह सभा कक्ष में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने जनपद में चलाए जा रहे संचारी रोग नियंत्रण अभियान, स्वच्छता अभियान, पेयजल की व्यवस्था, जल भराव, फॉगिंग की व्यवस्था, बाढ़ की स्थिति तथा कराए जा रहे कार्यों की विस्तार पूर्वक समीक्षा की। बैठक में जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व राजेश कुमार सिंह, प्रभारी सीएमओ प्रगति कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी अनिल कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। गाजीपुर के दिलदार नगर थाना क्षेत्र के भरवलिया गाँव के पास गुरुवार रात जमनिया सरहुला रजवाहा पुलिया पर बैठे एक छात्र पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। घायल युवक की चीख सुनकर ग्रामीण मौके की तरफ दौड़ पड़े। 2 बदमाशों को पकड़कर जमकर उनकी पिटाई की। चाकू की वार से घायल युवक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही रात में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह मौके पर पहुंच गए और संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ग्रामीणों की पिटाई से घायल दोनों युवकों को जिला अस्पताल लाया गया है, जहाँ उपचार के दौरान देर रात हमलावर एक युवक की भी मौत हो गई। इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि मृतक सुरेंद्र के भाई उपेंद्र यादव की तहरीर पर रात में ही दानिश और आसिफ के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। दूसरे पक्ष की तरफ से तहरीर नहीं मिली है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रामधारी यादव के नेतृत्व में समाजवादी लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने जेई एवं नीट परीक्षा के विरोध में राजभवन के सामने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे सपा के युवा संगठनों के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ भाजपा सरकार का पुतला दहन कर अपना विरोध जताया। भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए योगी सरकार से तत्काल इस्तीफे की मांग की। पुतला दहन करने वालों में जिला उपाध्यक्ष निजामुद्दीन खान, जिला उपाध्यक्ष कन्हैयालाल विश्वकर्मा, मीडिया प्रभारी अरुण कुमार श्रीवास्तव, पूर्व जिला महासचिव सदानंद यादव, समाजवादी लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष अमित ठाकुर, अनिल यादव, सोनू यादव, मुलायम छांगू आदि शामिल थे। देश की प्रमुख उर्वरक निर्माता कंपनी इफको की 49वीं वार्षिक प्रतिनिधि महासभा की आभासी रूप में आम बैठक हुई है। इसमें देश भर के प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिए। गाजीपुर जनपद के डेलीगेट्स स्टेशन रोड स्थित गाजीपुर जिला सहकारी संघ के सभागार में उपस्थित होकर बैठक में भाग लिए। बैठक में मार्केटिंग डायरेक्टर योगेंद्र कुमार ने कहा कि आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि विश्व में पहली बार इफको ने अपने कलोल गुजरात स्थित नैनो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र में नैनो नाइट्रोजन, नैनो जिंक, नैनो कॉपर विकसित किया है। यह उत्पाद 3 नवंबर 2019 को लॉन्च किए गए थे। इफको के डेलीगेट एवं डीसीएफ गाजीपुर के चेयरमैन विजय शंकर राय ने इफको की उपलब्धि को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि संकट की घड़ी में 1000 करोड़ से अधिक लाभ अर्जित किया गया है। बैठक में इफको प्रतिनिधि सभा के सदस्य रविंद्रनाथ राय, राहुल सिंह, ए के त्रिपाठी के अलावा इफको वाराणसी मंडल के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक राकेश श्रीवास्तव, गाजीपुर के क्षेत्रीय प्रबंधक आशीष श्रीवास्तव, सचिव कमलेश सिंह आदि उपस्थित रहे। गाजीपुर के जमनिया कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र के नरियाओं में स्थित विनय सिंह के बंद ईंट भट्टा पर गुरुवार की रात करीब 2 बजे छापेमारी की। इस दौरान शराब बनाने में लिप्त सलगी चापी थाना कुडू जनपद लोहरदगा झारखंड निवासी मनीषा पत्नी अप्पू को गिरफ्तार किया गया है। मौके से 55 लीटर कच्ची शराब, 5 किलो गुड़, 500 ग्राम नौसादर, 2 किलो यूरिया, 500 ग्राम फिटकरी, 1000 लीटर लहन के साथ शराब बनाने का उपकरण भी बरामद किया गया। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजीव सिंह ने बताया कि गिरफ्त में आई महिला ने पूछताछ में बताया कि मैं जीवन यापन के लिए अवैध कच्ची शराब बनाती हूं। गिरफ्तार करने वाली टीम में कोतवाल के साथ उप निरीक्षक संतोष कुमार, उप निरीक्षक मंजर अब्बास, कांस्टेबल बलवंत सिंह, कांस्टेबल रत्नेश कुमार, कांस्टेबल फुजैल, महिला कांस्टेबल ममता शामिल रही। गाजीपुर की हमारी ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।